गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रेमा क्रिएटिव गार्डन। दोस्तों आज हम बोगनवेलिया की रिपोर्टिंग दिखाएंगे। देखिए इस बोगनवेलिया जो है हमने कटिंग से लगाया था और इसमें इतना बड़ा प्लांट हो गया है, तो हमें ये लगा कि अभी छोटा है तो इसमें जो है चेंज कर देते हैं थोड़े बड़े पॉट में। तो इसके लिए हमने मिट्टी तैयार कर ली है। मिट्टी में हमने थोड़ी 30% मिट्टी है और बालू और ये भूसी है, धान की भूसी, थोड़ी खाद, नीम खली सब मिला के तैयार किए थे। तो ये तैयार करके रख लिए हैं। अब इसको जो है इसमें बस कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे इसमें डाल देना है और इसको थोड़ा धीरे धीरे जो है आप टूल से मतलब कि अगल बगल की मिट्टी निकाल के आराम से इसको जो है इसे जड़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। ये देखिए निकल आया है ना, तो थोड़ा टाइम लगा हमको भी निकालने में। तो इसको आप ऐसे रख दीजिए। नीचे हमने कुछ सूखे पत्ते वगैरह डाल दिए हैं, तो ये मिट्टी भी अच्छी है, भुरभुरी है, तो इसको भी आप डाल सकते हो। तो बाकी तीन मिट्टी हमारी तैयार है, इसमें से काफ़ी मिट्टी है इसके लिए, मिट्टी इसमें डाल देते हैं। और इस समय जो है जो सीजन चल रहा है फरवरी मार्च का, इसमें आप बड़े आराम से कटिंग रिपोर्टिंग सब कुछ कर सकते हैं। पौधे जो है मतलब कि बहुत जल्दी डेवलप करते हैं, इस समय इनका ग्रोथ करने का पीक टाइम चल रहा है। तो आप लोग भी अगर रिपोर्टिंग करना है या कटिंग भी लगानी है तो इसमें लगाइए, बहुत अच्छे से कटिंग चलेगी। और ये हमारा पौधा आप देख रहे हैं ना, ये एक कटिंग से ही हमने तैयार किया है। हमारे पास बोगनवेलिया के बहुत सारे प्लांट हैं और ये हमने कटिंग से तैयार किया है। और ये छोटे प्लांट में था पॉट में, तो हमें लगा कि छोटा हो जाएगा, इसको ग्रोथ करने का भरपूर मौका नहीं मिलेगा, तो इसलिए हमने जो है इसमें कर दिया है। अब बढ़िया इसको पानी दे देते हैं फंगीसाइड वाला, अब उसी से ये काफ़ी अच्छा ग्रोथ करेगा। अब एक दो दिन इसको छाया में रखें, डायरेक्ट धूप में मत रखिए। अगर आप लोग इस तरह का काम कर रहे हैं तो डायरेक्ट धूप में मत रखिए, दो दिन कम से कम छाया में रखे रहने दीजिए, दो तीन दिन, उसके बाद फिर धूप में रखिए। और बोगनवेलिया को जो है धूप बहुत पसंद है, तो इसे आप हमेशा धूप में ही रखिए, कम से कम 5-7 घंटे की धूप इनको मिलनी चाहिए, जिससे इनकी फ्लावरिंग बहुत अच्छी होगी। तो आप मिट्टी आप डालने के बाद थोड़ा फंगीसाइड वाला पानी, देखिए फंगीसाइड मिलाए थे, फंगीसाइड वाला पानी डाल दीजिए। पानी इतना डालिए कि खूब सोख ले पूरा, नीचे होल से पानी जब निकलने लगे तब बंद कर दीजिए। तो बहुत अच्छा जो है इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। और आप लोग करना हो तो भी बेझिझक रिपोर्टिंग करिए, इस समय कोई रिस्क नहीं है। कैसा लगा हमारा पोस्ट, अच्छी लगी होगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। गुड बाय।